So now students, let us discuss okay, what are the main components of SEO, yani search engine optimization ke major components kaun se hain jinki madad se hum search engine optimization perform karte hain. Lekin before discussing it, pehle ek cheez aap log zehen machine kar lein, dimag mein bitha lein ke jis tarah page ranking ka jo algorithm hai Google ka wo publicly available nahi hai, matlab hum guess kar sakte hain. यानी हम ये हम प्रीवियस डाटा को देखते हुए ये बता सकते हैं कि अगर वेबसाइट में कीवर्ड्स अच्छे हो या वेबसाइट इस तरीके से स्ट्रक्चर की हो तो ज़्यादा चांस है कि वेबसाइट सर्च में ऊपर आएगी. लेकिन कोई आपको ये नहीं कह सकता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या पेज रैंक का एक्चुअल फार्मूला क्या है. बिल्कुल वैसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई बेसिक या कोई फिक्स फार्मूला नहीं है. मतलब ये है कि हर साल सर्च इंजन की, बल्कि हर साल तो मैंने बहुत ज़्यादा देर कह दी है, कॉन्स्टेंटली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, इम्प्रूव होती रहती हैं. यानी हो सकता है हम जो अभी चीज़ डिस्कस कर रहे हो सकता है 6 महीने के बाद वैलिड ना हो. तो आपने इसको याद नहीं करने बैठ जाना, रट्टा लगाने नहीं बैठ जाना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या जो कॉम्पोनेंट्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वो ये 5 ही हैं. कतन ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल यानी दिसंबर 2017 में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं. तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, ये उस चेंजिंग की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं. हो सकता है 5-6 महीने के बाद गूगल जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कोई नई चीज़ ले आए. रीज़न है कि हमें ये पता है कि जैसे जैसे ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है वेबसाइट्स भी वैसे ही ज़्यादा हो रही हैं, तो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर क्राइटेरिया. तो बेसिक कॉम्पोनेंट SEO के या SEO परफॉर्म करने के बेसिक 5 हैं. सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो आपके कंटेंट यानी जो वेब पेज है या जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड होने चाहिए. मतलब ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे वेबसाइट मुझे यानी वेबसाइट तो फॉर एग्जांपल फुटबॉल के बारे में है, लेकिन जो कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने मेटा टैग में वो लेट्स सपोज उनका फुटबॉल से ताल्लुक ही कोई नहीं है. उसके अंदर लेट्स सपोज मैंने HTML CSS लिख दी है, तो जो कीवर्ड्स मैं मेटा टैग में लिखता हूं दीज कीवर्ड्स शुड बी रिलेटेड टू द कंटेंट. अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है. मतलब ये है कि हो सकता है कि मैंने अपने हिसाब से कीवर्ड्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट लिखे हों कॉन्टेंट से, लेकिन आगे जिस चीज ने मेरे कीवर्ड को रैंक करना है वो कोई बंदा नहीं है, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो कंप्यूटर है, वो एल्गोरिदम है. यानी उसको मैं एज अ ह्यूमन चैलेंज नहीं कर सकता. तो इससे मुराद एक जो मैं आपको जो पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अमूमन कंपनीज के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्पेशलाइज टीम्स होती हैं जिनका काम ये होता है कि वो हर वक्त टेस्टिंग करते रहते हैं कि अगर ये कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट पर लगाएं तो जो क्लिक्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस थिंग. यानी अगेन इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है. रीजन हमें ये पता ही नहीं है कि एल्गोरिदम गूगल का है क्या. तो कीवर्ड्स और मेटा टैग जो हैं वो आपस में रेलिवेंट होने चाहिए. देन द कॉन्टेंट जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो कॉन्टेंट है वो मेटा टैग और कीवर्ड से मैच होने चाहिए, मतलब रेलिवेंट होने चाहिए. बैक लिंकिंग, ये हम अभी आगे जाके इसका हम कोड भी डिस्कस करते हैं. अभी सिर्फ एक चीज समझाने के लिए कि जो मेरी वेब पेज वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, तो जो बैक लिंकिंग है वो ये बताती है कि मेरे अपनी वेबसाइट में जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं वो आपस में कितने कनेक्टेड हैं. यानी मैं अगर वेब पेज ए पे हूं तो मैं क्या अपनी ही वेबसाइट के वेब पेज बी पे जा सकता हूं कि नहीं. अगर वेब पेज बी पे हूं तो क्या मैं वेब पेज बी से अपनी ही वेबसाइट में वेब पेज ए पे आ सकता हूं कि नहीं. मतलब जो मेरी वेब पेजेस की आपस में कम्युनिकेशन है, मैंने जो उनको जोड़ा हुआ है, जो लिंक किया हुआ है, हाउ गुड और बैड इट इज. लास्ट थिंग, हमें यह पता है कि जो और हमने जब मैजेंटो और प्रेसर शॉप देखा था कि जो इमेजेस होते हैं दे प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल आजकल के ज़माने में खास तौर पे. तो मतलब ये है कि SEO जो है वो जो इमेज की क्वालिटी होती है ना एंड द साइज ऑफ इमेज,
यानी कितना बड़ा इमेज है और कितनी उसकी अच्छी क्वालिटी है, यानी जो उसके पिक्सल हैं कितना अच्छा वो पिक्सलेटेड है, कितना अच्छा यूज़र को नज़र आ रहा है, यानी द क्वालिटी ऑफ इमेज एंड साइज एंड नंबर ऑफ इमेज मैटर अलॉट। यानी आपने एग्जांपल है कि आपने इमेजेस तो बहुत ज़्यादा अपलोड कर दिए अपनी वेबसाइट में लेकिन लो क्वालिटी के थे और बहुत बड़ा साइज था, तो इसका इम्पैक्ट है। यानी ये पांच चीज़ें, और ये पांच वो चीज़ें हैं जो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस से पता लगता है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इनकी वजह से या ऊपर जाती है या नीचे जाती है। लेकिन अगेन दीज आर नॉट द ओनली फाइव कॉम्पोनेंट्स, इसके अलावा भी बहुत बेतहाशा कॉम्पोनेंट्स हैं लेकिन ये मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं।